बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के ठीक है खैरियत से हैं दोस्तों। जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं शहीन समुद्री तूफान के हवाले से वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। जो अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप लोग को अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि पहली डेथ होगी एक बच्चे की शहीन समुद्री तूफान की वजह से। आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि एक बच्चा जो कि लापता हो गया तो उसकी बॉडी को अभी एमरेट से तलाश कर लिया गया और ओमान की CDAA की तरफ से तस्दीक की गई है कि इस बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे की मगफरत फरमाए और आप लोगों को भी इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों की अपनी फुल सेफ्टी करके रखें, बाहर अभी ना निकले। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं बच्चों की, वो खड़े होकर तस्वीरें वगैरह खिंचा रहे हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इस तरह बिल्कुल ना करें क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं होता। इसके अलावा बात करते हैं समुद्री तूफान के हवाले से, आप लोग देख सकते हैं ओमान की CAA की तरफ से पांचवां अलर्टमेंट शाया कर दिया गया। इस अलर्टमेंट के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया कि शाम को सोहार के अंदर से इस समुद्री तूफान का बहाव गुजरेगा। जो आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि जो सेंटर होगा इस समुद्री तूफान का वो सोहार से गुजरेगा शाम को। तो जितने भी लोग सोहार वाले हमको देख रहे हैं अभी ये वार्निंग शाया की गई है ओमान की CAA की तरफ से, वो अपनी एहतियाती तदाबीर करके रखें। बाकी वो भी तमाम लोग जो कि मस्कत और इसके आसपास के इलाकों के अंदर रहते हैं वो भी अपनी एहतियाती तदाबीर करके रखें। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती हैं वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।